नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डब वाली केसरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो त्योहारों का सीजन है वो शुरू हो चुका है। दिवाली के कारण बाजारों में जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाजार है वो सजने शुरू हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के कारण मंदी जरूर चल रही है दिवाली के सीजन में। आपको बता दें कि आज हम जो मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं कि एक अलग सा एरिया है। ये हम बता दें कि डब्बाली के फाटक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे शहर में एक ऐसा तबका भी है जो सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं, साल के 12 महीने जो होते हैं वो यहीं स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हैं ये स्टॉलें हमेशा यहाँ लगी रहती हैं। तो वो से बातचीत करने आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि दिवाली के सीजन में इनका कैसा का जो कारोबार है चल रहा है, इनकी जो आजीविका है वो ये कपड़े बेचकर ही कमाते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली का जो सीजन चल रहा है उसको लेकर इनका जो आजीविका का एकमात्र सहारा है वो कैसा चल रहा है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है भैया? सुंदर। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहाँ पैदाशी यहीं हुए हुए हैं। तो जैसे कि अब दिवाली आने वाली है, कैसा चल रहा है आपका काम? तो मंदा ही हो रहा पूरा हमारा। पहले हमारा बाजार में था तो रोटी पानी मिल जाता था, वहाँ से उठवा दिया सरकार ने, पुल के नीचे डाल दिया हमको। ना तो हमारा कामगार से चल रहा है, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हम भी काम है ही नहीं हमारा इतना भी। यहाँ पे कितना पहले के मुकाबले कितना प्रतिशत काम कुछ नहीं है? काम यहाँ है ही नहीं। काम यहाँ 50-100 भी बढ़ते वो भी बच्चे खाने जाते, पूरा नहीं होता। अब के बाद का अब हम बात देखें, कोरोना के बाद भी और ज्यादा होया नुकसान। बोल रहे हैं बाजार से आपको क्यों उठाया गया? ये बाजार में कमेटी से ऑर्डर आया कि इनको उठवा दो, तो वो उठवा दिया हमको, फिर यहाँ पुल के नीचे डाल दिया हमको। जगह जो दी है वो सरकार ने दी है। अब यहाँ तो कोई काम धंधा नहीं है, अभी 2-3 महीने हो गए कोरोना के। पहले उठवाए थे हमको और कोरोना के साथ लग गया, बंद ही हो गया, ठप हमारा काम। मार्केट से देख सकते हैं कि इन भैया का कहना है कि कोरोना के कारण और दिवाली, कोरोना का इतना असर है कि दिवाली पे भी इनका कारोबार नहीं चल रहा है। क्या नाम है माता? बिमला। आप कहाँ से? यहाँ ही रहते हैं हम तो बचपन से। हाँ, ये काम कैसा का चल रहा है दिवाली पे? अब कुछ नहीं चल रहा है बहन जी, कुछ नहीं चल रहा है, रोटी भी नहीं पूरी पड़ रही है यहाँ तो हमारी। पहले कितना का कमा लेती थी? रोटी जितना मेरा जितना गुजारा कर लेती थी बहन जी, और कुछ नहीं। अब कुछ नहीं कमा रहे हैं, अब ऐसे ही बैठे हैं। कितना दिन में कितना को हो जाता है? 30-40 रुपए बट लेते हैं। घर कैसे चलता है? क्या करे बहन जी, फिर यहाँ से मार्केट वाले ने सारे ने रल के मार्केट वाले ने हमको उठा दिया, वो मार्केट वाले ने। वहाँ काम कैसे चलता? वहाँ चलता था हमारे सारा कुछ चलता था काम, रोटी पानी खुल मिलता था। यहाँ क्यों नहीं चल रहा? यहाँ भी भीड़ तो काफी लग रही है लोगों। ये लोग नहीं है, ये कोई लेन वाला नहीं है बहन जी, जो अड्डा था ना हमारा वहाँ ही था। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मेरा कृष्णा। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से रहने वाले हैं, स्टार्टिंग से यही रहते हैं, यहाँ 40 साल हो गए हमको यहाँ। ये भी कोरोना जो खत्म हुआ है, दिवाली आई है, पहला त्योहार आया है, कैसा का काम? कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल सुनसान बैठे, ऐसे बेले बैठे, ना रोजगार है ना कोई काम चल रहा ना, और गरीब संगो आप पल्ले से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, परेशानी से परेशान हो के बच्चों को भी नहीं ले रहा। काम क्यों नहीं चल रहा है? काम नहीं चल रहा बिल्कुल मंदा। हाँ, आपके देश में चले गए कान खाने पीने वाले, हम ऐसे बेले बैठे हैं, हमारे पास क्या काम चल रहा है? हमारी जनता आप भूखे मर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, देख लो दुकान पर कोई दिख रही है? कोई चीज दिख रही है आपको? सुविधा दिख रही? कुछ नहीं है यहाँ। कोरोना में कैसा आपने जीवन निर्वाह किया? कोरोना में तो आपको भी पता होगा कैसा किया, भूखे रहे, लंगर में मिल गया खाना, नहीं तो मेहनत मजूरी करने वाले कैसे रहते हैं? कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करा किसी ने भी। मिनिस्टर है हमारे लिए क्या है, सरकार से हेल्प मांग रहे हैं, जो आपने नाकाबंदी करी है, जहाँ इतना दुख दर्द हमारा हुआ है, गरीब का इतना कुछ हुआ है, गरीबों के लिए क्या करा है? कुछ भी नहीं करा किसी ने भी। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं, एक दिन में क्या है, हमको 200-250 मिल जाए तो भी हम बहुत सुखर गुजारे, उतना भी नहीं हमारी हेल्प। क्या हो रही है, गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी चले तो हमारा भी माड़ा मोटा रोजगार चले, गाड़ी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, सब ऊपर से किराए बढ़ा रहे, खर्चे बढ़ा रहे, गरीब क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती दीदी। जैसे कि आपने देखा कि इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जो इनका जो काम है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कुछ और भी महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। क्या मुझे नहीं बोलना था मैडम, मैं तो क्या नाम? मीरा है। कहाँ से आई?
लोकल ही है यहाँ के। कैसा काम चल रहा है दिवाली आने वाली? बड़े मुश्किल है हमारे तो, रोटी भी, हाँ रोटी भी बननी मुश्किल हो जाती है। कैसे करते हैं फिर, कैसे अपना भोजन आपका? टाइम पास कर रहे हैं, लुखी सुखी खा के बैठे रहते हैं बस। क्या मांगती हैं सरकार से? सरकार से मांगे क्या मांगे बहन जी, कुछ देते तो है ही नहीं सरकार। नीलम आप भी यहीं से? यहाँ है, मेरी माँ की, मेरे नाने की पैदावार से यहाँ ही है, 90 साल हो गया हमको। तो कैसा का कारोबार चल रहा है आपका? चल रहा है ठीक, माड़ा मोसा कोई दे रहे है तो चला रहे है, खा रहे पी रहे हम। जो बीपीएल कार्ड बनता है वो भी नहीं बनता क्या आपका? आधार कार्ड यहीं का होगा? यहाँ का ही आता। बीपीएल कार्ड वगैरह नहीं बना? वो नहीं बनाया हम। क्यों, ये क्या कारण है? वो अब सरकार को पता, हमको क्या पता। पूछा नहीं आपने? पूछा है, धक्के खाते है, एक दो बार जाते, अब दुकानदारी हमारी छोड़ के जाएंगे एक दिन के भी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते हैं। तो यहाँ के एमएलए जो है, विधायक है, वो आते हैं कभी यहाँ पे? ना कोई भी नहीं आए, कभी नहीं। पहले वाले भी नहीं, अभी वाले? ना ना कोई भी नहीं आए। विधवा भी की पेंशन अभी नहीं बनी बहन जी, कुछ नहीं बने, वो ही नहीं बन रही। क्यों, क्या किसी से पूछा आपने? हाँ पूछा है, सबको कागज लिखा के दिए, सबको दिए, एमसी को दिए, सबको दिए, कोई बना के ही नहीं देते। कहाँ, कौन से एमसी है आपके, कौन सा वार्ड है? इधर क्या बात कह ली, तीन नंबर वाली गली में। क्या कहते हैं एमसी, क्या कहते हैं? कहते सर से जाओ, कभी कहते इधर जाओ, कभी कहे इधर। आधार कार्ड कहाँ? यहाँ ही है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ है बहन जी। बीपीएल कार्ड और पेंशन ना? ये थे हमारे साथ कुछ लोग, आपको आज एक ऐसे तबके से हमने रूबरू करवाया जो पिछले 80 से 90 साल से यहाँ रह रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिवाली का जो सीज़न आ रहा है ना, उस दिवाली के सीज़न में इनका कोई कारोबार चल रहा है, और वहीं इनका जो सवाल है वो है विधायक से भी और सरकार से भी। अभी तक इनको 90 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, फिर भी इनका राशन कार्ड भी यहीं का है और जो आधार कार्ड भी वो भी यहीं है, फिर भी इनका ना तो बीपीएल कार्ड बना है और ना ही जो बुढ़ापा पेंशन होती है या विधवा पेंशन है ना वो बनी है। तो हमारा भी विधायक से और इनके जो वार्ड पार्षद है उनसे हमारा पूछना है कि यहाँ के जो इन लोगों का बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, ऐसी क्या समस्या आ रही है कि इनका बीपीएल कार्ड नहीं बनाया जा रहा और ना इनकी पेंशन बनाई जा रही है। तो आगे भी ऐसी ही समस्याओं से आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए डब वाली केसरी के साथ, मैं अनुपमा कैमरामैन बलकर सिंह के साथ।